शहनाज गिल आखिर किसको दे रही हैं बेस्ट विशेज? अच्छी बात है, देखो जाके सब एंड ऑल द बेस्ट। शहनाज गिल आखिर किसको बोल रही हैं ऑल द बेस्ट? अच्छी बात है, देखो जाके सब एंड ऑल द बेस्ट। खुद को या मूवी के बाकी स्टार कास्ट को या फिर देखने वालों को? जब शहनाज से पूछा गया कि उनकी मूवी किसी का भाई किसी की जान के रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, तो शहनाज का क्या रिएक्शन था आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छी बात है, देखो जाके सब एंड ऑल द बेस्ट। शहनाज ने वन लाइनर आंसर दे दिया और वो भी ऑल द बेस्ट बोल दिया। अच्छी बात है, देखो जाके सब एंड ऑल द बेस्ट। अब ये ऑल द बेस्ट किसको था, खुद को, देखने वालों को या फिर मूवी की बाकी स्टार कास्ट को? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं शहनाज का स्टाइलिश अंदाज। जहां पर शहनाज ने रैंप वॉक किया, लेकिन वहां भी शहनाज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी दिखी। शहनाज बार बार अपने कपड़ों को ठीक करती हुई नजर आई। और इतना ही नहीं, स्टेज पर भी वॉक करते समय शहनाज के कपड़ों के साथ थोड़ा सा इश्यू हो ही गया। उनके कपड़े किसी मॉडल के पैर से दब गए, जिससे शहनाज रुक गई और फिर वॉक करने लगी। फिर ये देखिए शहनाज का पूरा वॉक और उनकी बातें। आउटफिट में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, मतलब मुझे तो फीलिंग वाइल्ड वाली आ रही है। आई डोंट नो इफ आई एम वाइल्ड ना, बट मैं कुछ भी डालती हूँ तो मैं क्यूट लगती हूँ, तो वो मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है मेरी। तो कपड़े मुझे कैन पे भरोसा था, एंड कैन जो वाइट देता है कलरफुल, तो मुझे लगता है ये वही सिग्नल देता है कि हमें सबको कलरफुल हैप्पी ऐसे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो ये कपड़ों में यही है, यही प्रेजेंट कर रहे हैं। पता, जब मुझे बार बार ये पूछा जाता है ना कि कैसी फीलिंग रही, कैसी फीलिंग, सेम क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं अपने फ्रेंड के लिए वॉक किया, पहले भी किया था मैंने एक बार, एंड मुझे इसने एक बार पूछा कि मैं दोबारा करना चाहता हूँ, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ मैं ही करूँगी। एंड मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है जब मैं रैंप वॉक करती हूँ, सो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छी बात है, देखो जाके सब एंड ऑल द बेस्ट। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है। आज की सिचुएशन अच्छी थी, मैं थोड़ी टाइट थी, बट जब मैं तैयार हुई मुझे अच्छी फीलिंग आई, एंड मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, एंड मैंने रॉक कर दिया। ईद मुबारक एवरीवन, ईद मुबारक, एंड मज़े करो, एंड अपने जितने भी गिले शिकवे किसी के साथ वो सारे ख़त्म कर दो, एंड एंजॉय करो।